बोल दिया। मैं सर्पिली हूँ क्या? मैं तो परी हूँ ना। आपको पता है उन्होंने ना मनु थप्पड़ भी मार दिया। तो बिना बताए उत्तराखंड चली गई, बताया भी नहीं मुझे। उत्तराखंड? वो तेरी सॉरी, आपको आपको बोलना था क्या? वो मैं भूल गई। आपको पता है आज ना रसम में वो नई भाभी ने ना मेनू होमवर्क भी नहीं किता, ऐना सारा होमवर्क देता सी, कुछ भी नहीं किता। आप मेरी गल नहीं सुन रहे, मैं क्या दस रही हूं? वैसे क्या हुआ उत्तराखंड में? उत्तराखंड वो तो ध्रुव वीर की वेडिंग थी ना, वो गुडमैन के घर पे ना बारिश हुई तो मैं ना मेंढक बन गई थी, फिर वहां पड़ते गिर गए, फिर ना मैनू एक बड़ा सोना लाल लहंगा मिला। नील वीर ने बोला मैं वो रख सकती हूँ और न्यू भाभी को ना वो दूसरा दे देंगे। फिर न्यू भाभी ना सैड हो गई तो मैंने उसे हगी की, पर फिर उन्होंने मैंने थप्पा कर दिया। मिल गई, ये तो मैं ढूंढ रहा था। कलरिंग बुक मिल गई लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी कलर्स नहीं भरे हैं, कोरी की कोरी कुछ कलर्स नहीं भरे। पर मैं आपको बोल रही हूँ वो मेरी गर्ल। बहुत भूख लग रही है, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं खाया, और अब मैंने खाना भी नहीं है। अच्छा इजा क्या कर रही हो आप, इतनी हड़बड़ी में क्या करके रही हो आप? हड़बड़ी की बात तो तू मत कर, तूने जो कुछ भी किया था वो सोच समझ कर किया था। पर इजा आप कर क्या रही हो? तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और आज देर रात हम इस गांव से, इस कस्बे से, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। माँ हूँ तेरी काजू, अपनी आंखों से अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकती काजू। इजा 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 मेरी बात तो सुनो इजा, कहाँ जाएंगे हम? अपने घर को, अपने कस्बे को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे इजा? तो उस लड़के का नाम तो बता कम से कम, मुझे तो बता दे। मैं बात करूंगी फूल सिंह जी से, सरपंच जी से, सारे गांव वालों से, हाथ जोड़ लूंगी, पैर पर जाऊंगी, तू बता तो सही। नहीं ईजा, मैं आपको नहीं बता सकती नील जी का नाम, नहीं तो आप मुझे बचाने के लिए सबको उनका नाम बता दोगी, इसलिए आपको नहीं बता सकती। तू उस लड़के का नाम नहीं बताएगी ना तो बस हमारे पास और कोई चारा नहीं ठहरा। पहाड़ों में ना छोड़ी, हर चीज गूंज के दुगनी हो जाती है, गलती भी और सजा भी। ये लोग हमें मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमें जाना होगा। इजा इजा एक बार मेरी बात सुन लो, इजा मेरी एक बार बात सुन तो लो इजा। अब कहने सुनने के टाइम खत्म, आज देर रात हम जा रहे हैं। अब परी अपने फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स खाएगी, है ना परी? ये लो। क्या हुआ? कोई बात नहीं, परी जो है एप्पल खाएगी, राइट? एप्पल? मैंने नहीं खाना। पर क्यों? क्योंकि उसने मैंने थप्पड़ मारा ना, आपको पता मैंने कितनी लगी है। ओ, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैंने सोचा था परी ये सब फिनिश करेगी, खाएगी, फिर मैं परी को स्टोरी सुनाऊंगा,
पर अब क्या फायदा, कुछ खाओगी नहीं तो फिर पेट तुम्हारा पहले ही भरा हुआ है ना गुस्से से, तो फिर ये ले जाता हूं। नहीं। क्या आ पक्का? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। मुझसे? आपने मैंने दरवाजा खोलने बोला, मैंने नहीं खोला, तो आप मुझसे गुस्सा हो गए। आपको गुस्सा होना नॉट अलाउड। पहली बात तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, और अगर मैं गुस्सा होता भी हूं तो परी को क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता तो पहले ही दरवाजा खोल देती ना। पर मैं गुस्सा थी ना आपसे, नहीं न्यू भाभी से। आपको पता है ना कोई मैनू डांट देता है, चिल्लाता है, मैनू चंगा नहीं लगता है। मेरा दिल करता है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, सारा सामान भी फेंक दूं। पर बाय गॉड मैं आपसे गुस्सा नहीं थी। आप तो मेरे सर हो ना, आप गुड बॉय हो ना। और आप तो भूल जाते हो ना जो मैं आपको सिखाता हूँ। गुस्से में भूल गए? क्या सिखाया था मैंने? जो दूसरों पे गुस्सा करते हैं वो खुद से नाराज होते हैं, और जो खुद से नाराज होते हैं सुर उनसे रूठ जाते हैं, और फिर लोग तो फिर भी मान जाते हैं। लेकिन एक बार सुर आपसे रूठ गए तो क्या होता है? रब जी से कनेक्शन टूट जाते हैं, और वो कनेक्शन कभी नहीं टूटना चाहिए। मेरा बस अभी आप खाओ। ये सब परी का है। नहीं, आप खाओगे जैसे आप बोलते हो ना। पर मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, तुम खा लो, मैंने भी करना है। आप फिनिश करो। हाँ, 1, 2, 3, 4 गुड बाय। अब स्टोरी सुनाओगे? ये स्पेशल हार मेरी स्पेशल फ्रेंड के लिए। अरे कहाँ जा रही हो? आगने का प्रोग्राम है, इतनी जल्दी? ए तुझसे बात कर रहा हूँ। काजू काजू इजा इजा की बात कर रही। अरे चाची कहाँ जा रही हो? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बस पास में जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। अरे ले चलो इन्हें, इनका भागने का इरादा है। नहीं, नहीं। गांव की स्वच्छ हवा और पानी को अपने कर्मों से प्रदूषित करके 9 to 11 हो रही है दोनों माँ बेटी। ले चलो इन्हें। छोड़ो, चलो। अरे छोड़ो दो। तुझे क्या लगा तुम दोनों इतनी घिनौनी हरकत करके गांव का नाम खराब करके ऐसे ही फरार हो जाओगे? तूने जो किया है ना काजू उसकी सजा है, माफी नहीं। कैसी बात कर रहे ठहरे आप लोग? आप लोग जानते तो हैं हमें, अरे इसी गांव के रहने वाले ठहरे हम, कम से कम जानते तो हैं आप सब हमें, हमारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव तो कीजिए।
जब मुंह काला किया तो गांव की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुझे? अब तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। बड़ी बेशरम और ढीठ है दोनों माँ बेटी, मुंह अंधेरे भागने की फिराक में थी। कलयुग है ये, इस लड़की ने जो पाप किया है ना, निवारण सिर्फ यही है कि इन पत्थरों से इसे मारकर खत्म कर देना चाहिए। हमारे गांव का कायदा भी यही ठहरा। ये छोड़ी बाकियों के लिए उदाहरण बनेगी कि अपनी हद अपनी औकात लांघने का क्या नतीजा होता है। आप सब कैसे बोल रहे हो काजू के लिए ये सब? आप तो इसे जानते हो ना, काजू आपकी बहन बेटी जैसी है। ना पल्लवी ना, हमसे रिश्तेदारी ना जोड़ अपने छोरे की। मेरी छोरी ऐसी होती तो मैंने अब तक उसे जिंदा गाड़ दिया होता। और तू इतनी बेशरम है जो छोरी को बचाने चली आई। नहीं नहीं, इजा को छोड़ दो, इजा को छोड़ दो प्लीज। हमने हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। छोरो मुझे, माफ कर दो मेरी बच्ची को, बच्ची को माफ कर दीजिए। इजा पत्थर मत उठाओ, मैंने आपकी बच्ची है, पत्थर मत उठाओ। काजू की ओर एक पत्थर भी नहीं फेंकेगा। ये पत्थर उठा उठा के आप लोगों के दिल भी पत्थर के हो गए हैं क्या? काजू गांव की छोरी है, उसने गलती की है पर उसे एक मौका और मिलना चाहिए। डीजे, ये अपने गांव की छोरी है, मैं जानता हूं। उसकी मम्मी को, मम्मी जी लड़की से गलती हो सकती है पर लड़की गलत नहीं है। पता नहीं मेरा दिल पसीज गया, मैं जान पे बात नहीं आने दे सकता काजू की। ठीक है उसने नादानी की, लेकिन उसकी इस नादानी की सजा मैं उससे ब्याह करके भुगतने को तैयार हूं। मम्मी जी, अब अगर आपका आशीर्वाद हो, आपकी हामी हो, तभी मैं इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। मम्मी जी देखिए, और कोई चारा है नहीं, सारे गांव वाले खड़े हैं यहाँ पे। पत्थर तो मैंने रोक लिए, मगर अगर आपने ना कही तो फिर चल सकते हैं। देखिए कोई और छोरा काजू से ब्याह करे तो नामुमकिन हो गया है अब उसके बाद, इसलिए अपनी जिंदगी अपनी इज्जत सब कुछ ताक पे रख के आपकी बेटी से ब्याह करने को, उसे अपनी दुल्हन बनाने को तैयार हो गया हूँ। बाकी आप देख लीजिए। हाँ कह दीजिए। मैं पूरे गांव को साक्षी मानकर आपसे आपकी बेटी का हाथ अपने लिए मांग रहा हूं। मम्मी जी गांव वाले इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का।
मैं आपके हाथ में राजू का हाथ देने के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी, मेरा नाम भी फूल सिंह ठहरा, बंद लिफाफे में खत का मजमून भाप लेता हूँ। पता था ऐसे ही करेंगी आप, और आपको नहीं पता कि आप जो कर रही हैं वो आप नहीं कर रही हैं, वो तो मैं करवा रहा हूँ ना। चाल तैयार रखो, शिकार इज ऑन द बे। तू थी क्या? क्यों जी, और किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? और ये इतने ध्यान से अपने हाथ में क्या देख रहे हो? मेहंदी लगवानी है लगता है आपने भी। करो फिर आपकी शादी के बाद सबसे। ज़्यादा जहाँ जोची मत बन, ठीक है? जाके पढ़ ले, फेल हो जाएगी। वो चक्कर क्या नाश्ते में क्या बना? जिसे दिल याद करता है आंखें उसी को देखना शुरू कर देती हैं। कुछ तो बात है नील खुराना, कुछ तो बात है। तभी तो ना ही भाड़ों को भूल पा रहा है और ना ही काजू को। फूल, इस चोरी को बचाने के लिए गांव वाले के सामने बहाना तो नहीं बना रहा है? आज थामा है, रिश्ता निभाना पड़ेगा, सोच ले। सही बात है भाई जी, इतना बड़ा बलिदान देने जा रहे ठहरे आप, लेकिन फिर भी एक बार सोच विचार कर लेते तो अच्छा होता। ये काजू तो पता नहीं कहां कहां मुंह काला करवा के आई है। खबरदार, भगवान से एक भी शब्द और निकाला तो तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरी फूल सिंह की होने वाली पत्नी है। आज से, अभी से, इसी वक्त से कोई भी उससे बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस जिसको ये नाटक लगे, स्वांग लगे, बहाना लगे, वो मेरी शादी में जरूर आना, हलवा पूरी खा के जाना। इजा, इजा, इजा नहीं कर सकती मैं ये, इजा, इजा मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, इजा मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, इजा मैं। ए छोरी, तेरी अकड़ की पकड़ अभी तक ढीली नहीं पड़ी क्या? अरे बड़प्पन है फूल का जो तुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा है, एहसान मान इसका। और फिर भी अगर इस रिश्ते से तेरे को परेशानी है ना, तो उस छोरे का नाम बता दे जिसके साथ तूने रंगरलियां मनाई हैं, उसके साथ न्याय हम अपने हिसाब से कर लेंगे। काजू चुप कर, जुबान पे ताला लगा और चाबी खाई में फेंक दे। बहुत मुश्किल से बात संभली है, बात को बिगाड़ मत, चुप हो जा। वो फूल सिंह जी, जी? वो इसकी बातों का ध्यान मत दो, क्या है ना इसे अपने भले बुरे के समझ न ठहरी। मैं इजा हूँ इसकी, मैं कह रही हूँ हमें शादी के लिए तैयार है, आप बस शादी की तैयारियां करो।